मैं कई जगहों पे बयान करता हूं और बयान इसलिए करता हूं कि कोई नया आदमी मजमे में मौजूद हो तो अल्लाह करे उसे समझ आ जाए। मकसद तो ये है, ये जो हमारे मुल्क में एक मसला है, बड़ा मारेकतुल आरा मसला है, स्टेज सजते हैं, तकरीरें होती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, मुनाजरे होते हैं, फिर मुनाजरों से आगे मुबैले, फिर मुबैलों से आगे मुजादले, झगड़े, लड़ाइयां, फतवे, उनमें से एक मारेकतुल आरा मसला है कि नबी पाक नूर हैं या है ना, बड़ा मसला है, नूर या बंदे आलवी कहता है अल्लाह की कसम ए मसलियां चू मसला ही कोई नहीं, बिल्कुल कोई, ये सवाल ही कोई नहीं, नूर है या ये सवाल बनता ही नहीं, ये हमने बनाया है, ये हमने बनाया है, मौलवियों ने क्यों बनाया है, मसला ही कोई नूर है। जो समझदार लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका यहां मौजूद है, मेरी बात को गौर से सुने, तो जो पढ़े लिखे नहीं उन्होंने मैं समझा लेवांगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यहां के साथ सवाल वहां होता है जहां दो चीजों के दरमियान टकराव आए, दो चीजें आपस में मिल ना सके, वहां या के साथ सवाल होता है। मसलन दिन है या, यह सवाल बन गया, सर्दी है या धूप है या मर्द है या जमीन है या, यह सवाल है, इनमें तजाद है, टकराव है, सर्दी है तो गर्मी नहीं, सुबह है तो शाम नहीं, मर्द है तो औरत नहीं, औरत है तो टकराव है, सवाल हो सकता है, मर्द है या औरत, सर्दी है या गर्मी, नूर और बशर के दरमियान टकराव है, क्या कुरान ने नूर को बशर के मुकाबले में जिक्र किया है, नहीं जिक्र किया, आओ मैं बताता हूं नूर को किसके मुकाबले में जिक्र किया, कुरान ने कहा वलन जुलुमात वलन नूर, नूर को जिक्र किया अंधेरे के मुकाबले में, अंधेरा या, और इंसान को किसके मुकाबले में, जिन वमा खलकतुल जिन्ना, और कुरान को खत्म किया मिनते, ये क्या सवाल हुआ, नबी बशर है या नूर, नूर मुकाबले है अंधेरे के, बशर मुकाबले है जिन के, क्यों बशर जो है वो नूर नहीं हो सकता, कोई समझ आई तो उनके को नहीं, साड़ी भी सारी जिंदगी यार तकरीर कर दें गुजर गई है, सन भी चेहरे पता लग जाए अंधेरे पे कितनी समझ आई, क्यों तुम मेरे वास्ते आग रहा जी आइए, मैं अभी समझाता हूं आपको, जरा गौर करना है, समझा के जाऊंगा इंशाल्लाह, एक दूनी दूनी के दो दूनी चार करके समझा छूंगा इंशाल्लाह। ये सवाल के नबी नूर है या बशर, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कोई बंदा मुझसे सवाल करे बंदयालवी साहब आप आवान हैं या मौलवी, है सवाल बनता है सवाल, क्यों आवान मौलवी नहीं हो सकता, आप आवान है या मौलवी, कोई सवाल नहीं, आप जा रहे हैं एक मोची बैठा है जूतियां घास रहा है, आप उसे पूछते हैं तू मोची है या मुसलमान है, है सवाल, कोई सवाल, क्यों मोची मुसलमान नहीं हो सकता, कोई सवाल नहीं, जो मुझसे पूछेगा कि तू अवान है या मौलवी, तो मैं जवाब में कहूंगा कौमियत के लिहाज से अवान हूं,
لحاظ سے مولوی ہوں، موچی سے پوچھنے والا تو موچی ہے یا مسلمان ہے، تو وہ جواب میں کہے گا پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں، مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی ذات کے لحاظ سے بشر ہے، صفت کے لحاظ سے نور ہے، بشر ہے۔ ہوں سمجھ آئی، سانو پتا لگ جاتا بھی سمجھ آئی، تے ہوں بھی نہیں آئی تے پھر اللہ سمجھا۔ ذات کے لحاظ سے بشر ہیں اور صفت کے لحاظ سے کیا ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ علماء دیوبند نبی پاک کے نور ہونے کے منکر نہیں ہیں،